उत्तराखंड की धार्मिक स्थल मानो अब रील्स ही बनाने के लिए है। जी हाँ, कभी इन जगहों पर लोग रील्स बनाते हैं तो कभी इन जगहों पर अश्लीलता की हदें पार कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग भक्ति भाव से नहीं बल्कि रील्स अश्लीलता करने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, इसका ताजा मामला फिर हरिद्वार से सामने आया है। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की ने अश्लीलता की हदें पार कर दी, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों और वहां पर आए श्रद्धालुओं का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। फिर क्या था, उनको वहां से खदेड़ दिया गया। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भगवा कपड़ों में आपत्तिजनक रील्स बनाना एक युवक और युवती को उस समय महंगा पड़ गया जब मौके पर श्रद्धालु ने उन्हें जमकर खरी खोची सुनाई। हंगामा होता देख रील्स बनाने के चस्की युवा और युवती रफू चक्कर हो गई। इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। लोगों का कहना है इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो धार्मिक स्थलों की गरिमा और मर्यादा को भंग करने का काम करते हैं। वायरल वीडियो में मालदीव घाट हरिद्वार का बताया जा रहा है। दरअसल घाट पर जब श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रही थी तब एक जोड़ा भगवा कपड़ों में अश्लील हरकत करते हुए रील बनाने लगा। धार्मिक स्थल पर शर्मनाक हरकत करता देख मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। मौजूद लोगों ने युवक और युवती को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद दोनों वहां से खिसकते बने। इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। वहीं तीर्थ नगरी हरिद्वार के लोग अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। आपको बता दें, ये वही युवती और युवक है जो नोएडा की सड़कों में होली के दिन स्कूटी पर अश्लीलता कर रहे थे। दरअसल होली के दिन नोएडा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे। एक वीडियो में दो युवतियां स्कूटी पर सवार होकर अश्लील तरीके से होली खेलते हुए नजर आ रही थी। एक अन्य वीडियो में दोनों युवतियां सड़कों पर अश्लील तरीके से रंग लगा रही थी, जिसके बाद इनका भारी भरकम चालान किया गया। इन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरे। अब हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पर आकर इस तरह की हरकत कर रही हैं।